सर श्रेखा, हमने आपको ये तो बता दिया कि सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करना एक बेस्ट स्ट्रेटजी है फॉर द रिवीजन ऑफ बोर्ड एग्जाम, लेकिन इस पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ध्यान से सुनिए। हमारा बोर्ड एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 आवर्स का होता है, लेकिन हम सबसे पहले सैंपल पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो हम 2 आवर्स देंगे, जिसमें आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप 2 आवर्स के ड्यूरेशन में अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाए। स्टार्टिंग में 80 में से आप हो सकता है 50-60 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए या 40 मार्क्स अटेम्प्ट कर पाए, तो जितना भी आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो सही करने की कोशिश कीजिए। दैट मींस एक्यूरेसी मेंटेन करिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी, कुछ लोग हैं जो 30-40 डेज अपने रिवीजन में लगाएंगे, लेकिन आप अगर 30-40 डेज में 20 सैंपल पेपर्स भी करते हैं, इसका मतलब आप 2 सैंपल पेपर की बुक कंप्लीट करते हैं, तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट होगा दैट इज कि आप 2 आवर्स में अपना पूरा 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट भी कर पाओगे और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। एक बच्चा ऐसा है जिसने 30-40 डेज में एक भी सैंपल पेपर नहीं लगाया और एक आप है जिसने 30-40 डेज में 2 सैंपल पेपर की बुक कंप्लीट कर ली है, इसका अलग ही इफेक्ट पड़ेगा। इससे आप सारे चैप्टर का रिवीजन एक साथ भी करेंगे, साथ में टाइम मैनेजमेंट भी होगी, साथ में एक्यूरेसी भी होगी। आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इफ यू अटेम्प्टिंग सैंपल पेपर एज अ रिवीजन। जो आप यहाँ पे 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बोर्ड में वो 3 आवर्स में एडजस्ट हो जाएगा। इससे ये भी बेनिफिट मिलेगा कि आपका बोर्ड का एग्जाम कभी नहीं छूटेगा। ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए बलतेज सिंह स्मार्ट केड़ा।